नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको सैमसंग 18650 सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये एक पैकेज है जो मुझे कुछ दिन पहले बैंगलोर से मिला है। हालांकि मैंने को ऑर्डर किए हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके थे, तो फिलहाल जो इन्होंने स्वीडन पोस्ट से भेजा था तो करीबन ये मुझे मिला है 2 महीने बाद। तो फिलहाल मैं अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने मंगाए थे 2 सैमसंग के सेल्स। ये एक 18650 सीरीज के सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इनकी जो मॉडल नंबर है वो है INR 18650 30Q। तो मतलब कि ये 3000 mAh के सेल्स हैं। और फिलहाल इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये सेल किस काम आते हैं? तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सेल मैंने किस पर्पज़ से मंगाए। ये मेरी जो ड्रिल मशीन है उसके अंदर 1500 या 1100 मिली एम्पर आवर के सेल्स होते हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए मैंने इन 2 सेल्स को मंगाया है। हालांकि मेरे को 2 सेल्स यहाँ पर कुछ नहीं बनने वाला, मुझे कम से कम चाहिए थे 3 सेल्स। तो फिलहाल ये 2 सेल्स भी काम कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा है बॉस GSR प्रो प्रोटोटाइप, एक ये एक तरह से स्क्रू ड्राइवर है। तो अगर मैं इसकी जो सेल्स की बात करूँ तो इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं वो सैमसंग के ही लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सैमसंग का है INR 18650 13P, मतलब 1300 mAh का ये सेल है। करीबन अब मैं इस सेल के जरिए इस स्क्रू ड्राइवर को करीबन 10 घंटे तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स मैंने मंगवाए हैं, ये सेल मंगवाए हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त सेल हैं। हालांकि इनके और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि मेरे पास पावर बैंक पड़ी हुई है। तो देख सकते हो, तो यहाँ पर यह है 10400 mAh के पावर बैंक। तो इसके अंदर करीबन 4 सेल पड़े हुए हैं 2600 mAh के। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, हालांकि ये 2 ही, अगर 4 मंगाता तो मैं 4 अगर इसमें रिप्लेस कर देता तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ के हो जाती 4×12, तो 12000 mAh क्या ये पावर बैंक हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब कि अगर आपके पावर बैंक में अगर बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं तो आप उनकी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया रिप्लेसमेंट है। जो ये सेल हैं ये आगे और भी बहुत काम आते हैं। आप अपने लैपटॉप की बैटरी को पर्सनली में खुद ही उसमें सेल को बदल सकते हो। अगर किस्मत अच्छी रही तो अगर आप उस बैटरी का टेयर डाउन करने में सक्षम रहें तो आप उसमें जो करीबन 6 सेल लगते हैं तो आप इस टाइप के 6 सेल्स मंगा दीजिए। 3000 mAh के हैं, मतलब कि ये काफ़ी बढ़िया आपको बैटरी बैकअप दे देगा। तो फिलहाल काफ़ी बढ़िया हो जाएगा कि अगर आप इस टाइप के सेल्स को मैन्युअली अपनी बैटरी में रिप्लेस कर दें। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि ये सेल मैंने मंगा रखे हैं, इनका काफ़ी बढ़िया उपयोग है। और दोस्तों, इनका एक और एप्लीकेशन है जिसको मैं आपको बताना भूल गया। जो अधिकतर जो फ्लैश लाइट्स आती हैं, जो टॉर्च आती हैं, उसमें भी इसी टाइप के सेल्स रखते हैं 18650। तो वहाँ पर भी आप इन सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि वहाँ पर चार्जिंग की दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक चार्जर नहीं आता। तो फिलहाल इसको चार्ज करने के लिए भी इंडिया में काफ़ी सारे चार्जर अवेलेबल हैं, उन्हीं में से एक है नीटीकोर का। फिलहाल मैं इसी चार्जर को इस्तेमाल कर रहा हूँ इन 2 सेल्स को चार्ज करने के लिए। चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सैमसंग के जो सीरीज़ है 18650 वाली 3000 mAh पावर के जो सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, आप इनको काफ़ी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली इस को समाप्त करने जा रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोस, गैजेट्स रिव्यूज और मोबाइल फोन रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।